Hello friends, I am Murli. Now I am going to continue my CCNA video series. In last few videos, I have given you idea about the CCNA and a few network related terminology. Now, we have to work on network. That's why we should also understand the basic structure of a network. And if we talk about a network and its structure, then this discussion comes under topology. Now, samne aapke dikh raha hai topology term, but topology hai kya? Topology means एक ऐसा आर्किटेक्चर जो ये रिप्रेजेंट करे कि नेटवर्क में यूज होने वाले डिफरेंट डिफरेंट नोड्स, नोड्स मीन डिफरेंट डिवाइसेस, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया, ये डिफरेंट डिफरेंट नोड्स आपस में कैसे कनेक्ट होंगे, इनको नेटवर्क में कैसे अरेंज करना है, एंड ओवरऑल इन सारे नोड्स पे किस तरह का कॉन्फिगरेशन होगा कि जिसके बेसिस पे ये नोड एक दूसरे को आइडेंटिफाई कर पाए एंड तब कहीं जाकर के एक एस्टेब्लिश नेटवर्क के ऊपर डेटा का ट्रांसमिशन हो सके। तो ओवरऑल अ नेटवर्क रिप्रेजेंट्स कनेक्टिविटी ऑफ नोड्स दैट इज बेस्ड ऑन फिजिकल एंड लॉजिकल स्ट्रक्चर एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज टॉपोलॉजी। और ये फिजिकल और लॉजिकल स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो इसी के बेसिस पे टॉपोलॉजी के दो टाइप होते हैं। फर्स्ट टाइप इज लॉजिकल टॉपोलॉजी। लॉजिकल एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द कॉन्फिगरेशन पार्ट ऑफ नोड। कॉन्फिगरेशन लाइक फाइन, हमने एक कंप्यूटर लगाया, बट कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, ड्राइवर्स होने चाहिए, आईपी कॉन्फिगरेशन होना चाहिए, अगर आपको डेटा से रिलेटेड कोई वर्क करना है तो ड्राइव होना चाहिए, डेटा शेयरिंग होनी चाहिए, मींस डिफरेंट कॉन्फिगरेशन। बट अगर हम इसके फिजिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं यानी सेकंड टाइप फिजिकल टॉपोलॉजी, तो ये स्पेशली रिप्रेजेंट करता है अरेंजमेंट ऑफ नोड्स को कि नेटवर्क में नोड्स एक दूसरे से कनेक्ट कैसे होंगे, कैसे अरेंज होंगे। तो लॉजिकल पार्ट की जहां तक बात आती है तो लॉजिकल पार्ट एक लॉन्ग टर्म है जो एज पर रिक्वायरमेंट चेंज होता रहता है। कि रिक्वायरमेंट कहने का मतलब कि हमें एक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे, एक आईटी नेटवर्क पे काम क्या करना है उसके बेसिस पे। लेकिन फिजिकल अरेंजमेंट जो है वो ऑलमोस्ट सेम होती है, डिपेंड करता है सिर्फ वो नेटवर्क के साइज पे। अगर नेटवर्क बहुत बड़ा है तो उसमें थोड़े चेंजेस आते हैं, अदरवाइज नॉर्मली हम लोग एक ही तरह की कनेक्टिविटी। अब फिजिकल टॉपोलॉजी की अगर बात करें तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स आते हैं, उनमें से फर्स्ट टाइप है मेश टॉपोलॉजी। नाउ सी, सबसे पहले मैं आपको डायग्राम पे ले चलता हूं। जस्ट ये एक डायग्राम है। इस डायग्राम में फोर नोड शो किए गए हैं। दिस वन इज द फर्स्ट नोड, दिस वन इज सेकेंड नोड। जस्ट मैं ये फर्स्ट नोड, सेकंड नोड, थर्ड एंड फोर्थ नोड, इन चार नोड को कनेक्ट करने के लिए देख रहे हैं कि यहाँ पे जो केबल यूज हुए हैं या लिंक कह लीजिए, ये लिंक अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस नोड की कनेक्टिविटी की बात करूं तो एक डेडिकेटेड लिंक से इस नोड से कनेक्टिविटी हुई है, यहाँ पे फिर एक डेडिकेटेड लिंक से इस नोड से कनेक्टिविटी हुई है, इस डेडिकेटेड लिंक से इस नोड से कनेक्टिविटी। तो ओवरऑल ये क्या शो कर रहा है कि अगर मेश टॉपोलॉजी बेस्ड हमारा नेटवर्क होगा तो वैसे केस में हमें हर कंप्यूटर को, हर डिवाइस को बाकी के सारे डिवाइसेस से लिंक करना होगा। दरअसल में इस तरह की टॉपोलॉजी कंप्यूटर बेस्ड नेटवर्क में यूज होती थी लेकिन पहले। एक है क्या कि अगर हम आज की करेंट की चीजों को जानना चाहते हैं तो अगर हमें पास्ट के बारे में थोड़ा आइडिया हो तो हमें ये फील होता है या हमें
ये चीज पता चलता है कि आज के डेट का हमारा डेवलपमेंट क्या है और हम प्रीवियस डेवलपमेंट के कंपैरिजन में आज के डेवलपमेंट में बेटर तरीके से कैसे काम करें। अब बात करें यहीं पे सेकंड नोड की। अब ये नोड तो इस नोड से डायरेक्टली कनेक्टेड है ही, फिर इस नोड से इसकी कनेक्टिविटी की गई, इस नोड से कनेक्टिविटी। ये सारे सिंपल केबल ही है, सिर्फ कहीं जिग जैग लाइन, कहीं स्ट्रेट लाइन, कहीं डैश लाइन इसलिए शो किए गए हैं जिससे आपको अलग अलग केबल रिप्रेजेंट। फाइन, इस तरीके से ओवरऑल बाकी नोड्स की भी कनेक्टिविटी की गई है, तो आपको क्या दिखाई देता है कि यहाँ पे इस कनेक्टिविटी में बहुत ज्यादा लिंक का यूज हो रहा है। अब इसको समझते हैं कुछ इसके मेस टोपोलॉजी के टर्म्स को। इसके लिए अगेन हम अपने पॉइंट्स पे आ जाएं। फाइन, नाउ द फर्स्ट पॉइंट ऑफ मेस टोपोलॉजी इज डिवाइस इज कनेक्टेड टू ऑल अनदर डिवाइसेस थ्रू अ डेडिकेटेड, एक डेडिकेटेड लिंक से बाकी सारी डिवाइसेस से कनेक्टेड है, मींस पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। लेस डेटा ट्रैफिक लोड, ऑब्वियसली बात है, जब मल्टीपल पाथ होंगे तो लेस डेटा ट्रैफिक लोड होगा। फेलियर ऑफ वन लिंक डज नॉट अफेक्ट अदर अदर अनदर डिवाइस, दूसरे डिवाइसेस को पे कोई इंपैक्ट नहीं आता अगर आपका कोई एक लिंक डाउन भी हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, इस तरह की टॉपोलॉजी को अगर हम ज्यादा नोड के लिए क्रिएट करना चाहे तो ये हमारे लिए तब होगा, क्योंकि नंबर ऑफ लिंक्स बहुत ज्यादा बढ़। इस लिंक के कैलकुलेशन के लिए सिंपल हम कुछ फॉर्मूला यूज करते हैं। उनमें से एक है कि आपको अगर ये पता करना कि टोटल लिंक हर नोड पे कितने होंगे अगर सारे नोड को बाकी के सारे नोड से कनेक्ट कर, उसके लिए छोटा सा एक वैल्यू है कि सपोज अगर आपका नंबर ऑफ नोड्स एन है तो एन माइनस वन कर दीजिए, यानी टोटल नंबर ऑफ नोड से एक कम, तो पता चल जाता है कि कितने लिंक होंगे हर नोड। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा नोड नंबर फोर है तो फोर माइनस वन थ्री, यानी कि हर नोड पे तीन लिंक। अब ओवरऑल पूरे नेटवर्क में कितने लिंक हो जाएंगे इसके कैलकुलेशन के लिए ये छोटा सा फॉर्मूला यूज होता है, n इंटू एन माइनस वन एन डिवाइडेड बाई टू। अगर हम फोर की वैल्यू को कंसीडर करें तो आंसर आता है सिक्स। इट्स अ वेरी सिंपल कैलकुलेशन, दैट्स व्हाई आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग इट एज अ मैथमेटिकल प्रोसेस। इस तरह की टॉपोलॉजी का आज के डेट में लोकल नेटवर्क के अंदर तो इस्तेमाल नहीं होता, बट हमारा जो टेलकॉम सेक्टर है आज भी मेस पे बेस्ड होता है। हर एक टेलकॉम सेक्टर बाकी के टेलकॉम सेक्टर से कनेक्टेड है, सारे एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, इसलिए इस तरह के नेटवर्क को हम मेस बेस्ड नेटवर्क कहते हैं। एंड फ्यू मोर पॉइंट्स, अब मेस टॉपोलॉजी को हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं, एक फुल मेस टॉपोलॉजी होती है, एक पार्शियल मेस टॉपोलॉजी। इन केस ऑफ फुल मेस टॉपोलॉजी हर एक नोड बाकी के सारे नोड से एक डेडिकेटेड लिंक से कनेक्टेड होगा, बट इन केस ऑफ पार्शियल मेश टोपोलॉजी ये कंपल्सन नहीं है कि एक नोड बाकी के सारे नोड से कनेक्टेड हो। हाँ, कुछ सारे से कनेक्टेड हो सकते हैं, कुछ नहीं। अगर इस तरह का स्ट्रक्चर है तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम पार्शियल मेश बेस्ड स्ट्रक्चर कहते हैं। फाइन, नाउ सी दिस एग्जांपल। In this diagram, you can see these four nodes are connected to each other with a dedicated link, but there is one more node, it has only two connectivity. Means this is an example of partial mismatch. Thank you. And in next video, I will discuss about another topology. Thank you very much.